अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, हमने इंट्रो पढ़ा ऑर्गेनिक का, हमने उसकी डिफिनेशन पढ़ी, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफाइन कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज़ फीचर्स ऑफ। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है, दैट इज़ पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो पिकुलर का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर। स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए हम पिकुलर का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो कार्बन का स्पेसिफिक बिहेवियर है, जिसकी वजह से कार्बन को बैकबोन कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन है क्या? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब क्या है कि कार्बन, जिस वजह से बेसिकली हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन कह रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि कैटिनेशन करता है, बड़े बड़े कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आपस में इसकी जॉइनिंग होती है, कार्बन एटम्स के साथ इसकी दूसरे एटम्स के साथ जॉइनिंग होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स ये बनाता है। लाइक ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, लाइक ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, लाइक ये सल्फर के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, डिफरेंट साइजेस होती हैं इसके कंपाउंड्स की, डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऑर्गेनिक में जो इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलती है, जो इतनी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलती हैं, दैट इज़ ड्यू टू द पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। और पिकुलर मैं स्पेसिफिक को कह रही हूँ, एक ख़ास बिहेवियर वो शो करता है। बहुत से दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जो कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिलिकॉन करता है, सल्फर करता है, बट जो जितनी वैरायटी ये हमें कार्बन में मिलती है वो दूसरे एटम्स में नहीं मिलती है। उसके बाद एक जो सेकंड वाला हमारे पास आता है, ये फर्स्ट था, सेकंड जो हमारे पास आता है, दैट इज़ हम उसको कहेंगे नॉन आयनिक करेक्टर। नॉन आयनिक करेक्टर किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नॉन आयनिक करेक्टर से क्या मुराद है? आयन्स क्या होते हैं? सबसे पहले एनी स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो स्पीशी जिस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? आयन है। और यहाँ पे हमने क्या बताना है? नॉन आयनिक करेक्टर। अब जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन किया था, हमने उसकी डेफिनेशन की थी, देन वी वर टॉकिंग अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और जो आयनिक करेक्टर किसी भी चीज़ में आता है ना, वो जस्ट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ गया है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और जो दूसरा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और खुद वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। अब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, देर इज़ नो सच एप्रिशिएबल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से, बल्कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंट बुक्स में और भी इनका डिफरेंस कम बताया गया। ठीक है, तो क्या होता है, इस वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि आयनिक करेक्टर जो है वो उनमें एग्जिस्ट नहीं करता। द थर्ड वन इज सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर से क्या मुराद है? हमने ऑर्गेनिक की बात की, हमने कैटिनेशन की बात की, हम कह रहे हैं कि जो कार्बन है वो बड़े बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर्स बनाता है ड्यू टू दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़।
अब क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अपने कॉलेजेस की बात करें, दो तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट भी हैं प्राइवेट भी हैं। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो हम सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को एक ही सीरीज में रखेंगे कि इसमें ये लेक्चरर्स हैं, ये लेक्चरर्स हो सकते हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होगी, उनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इतनी होगी, ये फैसिलिटीज होंगी। और जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो सेम वे में हम प्राइवेट कॉलेजेस को भी एक ही उसमें रखते हैं सीरीज में कि ये प्राइवेट कॉलेज है, इसकी इतनी फी हो सकती है, इसमें इस कैलिबर का टीचर हो सकता है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। तो वो चीज़ों को जब होमोलोगस कहते हैं सेम वे में जो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी भी हमने सीरीज बनाई हुई हैं। लाइक सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास है वो क्या है, मीथेन है, फिर C2 इथेन का हम ये मीथेन है स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये ठीक है, इसका पहले आप स्ट्रक्चर बना लो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6 नाम है इसका इथेन। ठीक है, इसी तरह से कोई एक और देख लें, C3। अब H कैसे ज़्यादा होगा इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद बताती हूँ। लाइक 1, 2, 3 जो एक कार्बन है उसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, 1, 2, 3 एंड दिस वन 4, 1, 2, 3 एंड दिस वन 4, 1, 2, 3 एंड दिस वन 4, 3, 3, 3, 3s are 6, 7 and 8। तो ये क्या हुआ, क्या है ये, प्रोपेन है। ये जो ये स्ट्रक्चर्स हैं और जो ये कॉन्सेप्ट हैं ये आपके इसी चैप्टर के हैं, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा यहीं पे ही बताने की कोशिश की है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और आपने उसके बॉन्ड्स को हाइड्रोजन के साथ स्टेबलाइज करना है। अब देखें ये मीथेन है, इट्स हैव कार्बन 1, ये इथेन है, इट हैव कार्बन 2 एंड ये प्रोपेन है और इसमें 3 कार्बन है। अब देखें जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें किस चीज़ का है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, बेसिक स्केल्टन तो वही रहेगा ना, जस्ट कार्बन नंबर्स चेंज हो रहे हैं, सीरीज तो उनको उनकी वही रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम उनको अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ कुछ आपस में मैच भी कर रही होंगी और कुछ कुछ डिफरेंट हो जाएंगी। इसी तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक होमोलोगस सीरीज में रखते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन की, लाइक आगे आप जाओगे एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे उनकी एक अलग से होमोलोगस सीरीज होगी, उनमें बेंजीन रिंग होती है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता है तो हम नेक्स्ट की प्रॉपर्टी को खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन की जब हम बात करें, फोर्थ वन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी किसी चीज़ को हम पेचीदा होने को बोलते हैं उर्दू में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके स्ट्रक्चर लार्ज होते हैं और वो कम्प्लेक्स होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कि जो कार्बन का स्केल्टन होता है वो अप टू थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जस्ट एक स्टार्च की एग्जाम्पल कोड करते हैं, C6H10O5 and N। Here is N is unlimited number, ये thousands में भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ thousands में भी हम कह सकते हैं, ये 100 में भी हो सकता है, ये lakhs में जा सकता है। ठीक है, up to so on। तो अब देखें कोई लिमिट नहीं है, ये thousands में चला गया तो वो उसकी कम्प्लेक्सिटी कहाँ पे जाएगी उस कंपाउंड की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स
पेप्टाइड्स दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और इस कम्प्लेक्सिटी की जब हम रीजन देते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाता है कि कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. एंड द फाइव वन इज आइसोमरिज्म. क्या है आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर डेफिनेशन जब हम इसकी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस या द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज. आइसोमरिज्म की डिटेल में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये पूरा टॉपिक है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी इतना काफ़ी है कि वो प्रॉपर्टी कंपाउंड्स में जिसमें उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट एक बॉन्ड के रिप्लेस होने से पूरे के पूरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज होता है, पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. तो जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म है ये जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही प्रॉपर्टी है. उसके बाद हम बात करते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शंस की. रेट ऑफ रिएक्शंस की जब हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शंस स्लो होते हैं. स्लो क्यों होते हैं? स्लो रिएक्शंस. और जब हम इसकी रीजन दें तो हम कहते हैं ड्यू टू कंप्लेक्स स्ट्रक्चर्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने जो अब उस कंपाउंड की आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करना है, उसको तोड़ना है. वो टूटेगा तो कोई नया कंपाउंड बनेगा. अब क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो पेचीदा होते हैं, उनको तोड़ना भी समहाउ मुश्किल होता है. तो उनको तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए और उसके बाद जब उनकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो कोई न्यू रिएक्शन देंगे. इस वजह से जो रिएक्शन रेट है वो स्लो.